हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिल्वर मिनी का किस तरह परफॉर्मेंस रहने वाला, साथ में सिल्वर कॉमेक्स को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। दोनों को कंपेयर करते हुए फर्दर अपनी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ हम अपने व्यूज़ को पोस्ट करते रहते हैं, जिससे आप लोग रेगुलर अपडेट रह सकते हैं। हम रेगुलर विषय यहाँ से आपके साथ जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, जैसे सिल्वर माइक्रो की बात कर लेते हैं, 2020-22 का जो सपोर्ट लेवल था उसको ये दोबारा से टच करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलर टाइप में कॉमेक्स में भी होने के चांसेस हैं, उसको भी हम देखते हैं। या बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम जस्ट स्टडी कर रहे हैं कि प्रीवियस डे में कैसा हुआ था, उसके बेस में फ्यूचर में क्या कंडीशन बन सकती है। क्योंकि जो चार्ट एनालिसिस होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, हम प्रीवियस वे को देखते हुए फ्यूचर को प्लान करने की कोशिश करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये लेवल जो अभी करंट में बना हुआ है, जहाँ पे मार्केट में खड़ा हुआ है 29.3 के आसपास, मतलब ये ब्लैक लाइन जो आपको शो हो रही है, इसके आसपास कहीं आज प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई है, जो लास्ट वीक हमने देखा। अब उसके बाद में अगर आप देख रहे हो तो ये लेवल इसने जो क्रॉस किया था जुलाई 2021 के बाद से, अभी जुलाई 2024 में भी हम यहीं खड़े हुए हैं। मतलब सिमिलर सिचुएशन है, जुलाई में भी यहाँ पे डाउन साइड आया था, और इस समय अगर आप ये देख रहे हो जून जुलाई में ब्रेकडाउन ये किया है, सिमिलर टाइप में यहाँ पे भी ब्रेकडाउन। तो लगभग ये 3 सालों का रेंज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, ये हमें वॉच करना पड़ेगा। इसके नीचे क्लोजिंग थोड़ी टफ हो जाएगी, और ओवरऑल अगर मैं इस जोन को मार्क कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर होने के चांस रहेंगे। मैं इस जोन को एज ए सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो 29 से 28.2 तक का जो ये जोन है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर क्लोजिंग हो गई तो फिर ये वीकनेस बड़े स्तर पे हो जाएगी। दूसरी कंडीशन अगर आप यहाँ पे वॉच करते हैं, देखते हैं, तो डेली में भी अगर आप वॉच करोगे तो डेली में भी कैंडलस्टिक पैटर्न और सारी कंडीशन आपको यहाँ देख रहे हैं, ब्रेकडाउन करने के लिए कोशिश करने के लिए रेडी है। एक बार यहाँ पे टच हुआ है, जब इसको ब्रेकआउट किया है मई में, उसके बाद में वन टाइम हिट किया, सेकंड टाइम यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, और साथ में सारे पैटर्न यहाँ पे नेगेटिव है। बट ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ थोड़ी सी इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, कंडीशन है इफ यदि ब्रेक करता है तभी ऐसी कुछ नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे आपको एक पॉज कैंडल होते हैं कि चांसेस बनने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अब इसके बाद में हम सिल्वर मिनी को देख लेते हैं। जो कमिंग वीक है इसमें कुछ यूएस के डेटा भी आने वाले हैं, उसके विषय में हम देखेंगे। लेकिन इन सभी के बीच में अगर हम ओवरऑल कंडीशन देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम से हम चलते हुए डाउन साइड के लिए आते हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना यहाँ पे का सीखना है, देखना है, तो सबसे पहले मैं ये जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स या जो भी मार्किंग हो रखी, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि उससे थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को। तो अब यहाँ पे सारे जो लाइंस थे मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया है, इरेज कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो हायर साइड में जिस लेवल पे हम खड़े हुए हैं, करंट मार्केट प्राइस होता है, वहाँ से हायर साइड में आते हैं तो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, लोअर साइड में आते हैं तो एज ए सपोर्ट काम करता है। बहुत सिंपल है, ये पॉइंट आपको जानना चाहिए। अब ऊपर की तरफ ये जोन है, ये जोन इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए अगर आप देखते हो तो इसके आसपास जब भी ये पहुँचा है, ये जोन आप देख रहे हो, इस जोन के पास जब भी ये पहुंचा, इसको रिफ्लेक्शन मिला है 2020 के बाद में, इस जोन को इसने हिट नहीं किया है। तो कभी भी फ्रेंड्स वन डायरेक्शन में मार्केट में मूव नहीं होता है, ये हमें क्लियर रखना है। सेकंड थिंग अगर आप यहाँ पे देखते हो तो अगर हम जो करंट प्राइस है इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है 89,000 के आसपास, 89,600, अगर ये दोबारा से प्रीवियस कैंडल है इसके नीचे निकलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये जो मार्किंग हो रखी है 88,000 की, ये सबसे क्रूशियल है यहाँ इसके लिए फर्दर डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ 1,500 पॉइंट का नीचे मूव आए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर प्रीवियस कैंडल को क्रॉस करते हो नीचे कंटिन्यू करता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होने के चांसेस बनेंगे। तो आई होप आपको कुछ यहाँ पे बेसिक कंडीशन समझ में आई होगी। डिटेल वीडियो के लिए हम यहाँ पे फर्दर वॉच कर रहे हैं, किस तरह से आपको ईजी वे से रिप्रेजेंट करें उसमें हम वर्क कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी उसके विषय में अपडेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो जहाँ पे ट्रेड कर रहा है 89,700 या फिर
ये सारे लेबल्स जो है बने हुए हैं, ये लेबल्स अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यू 2022 के बाद से इस लेवल पे हिट नहीं हुआ है। उससे पहले अगर आप देख रहे हो जो ब्रेकडाउन हुआ है तो ये जुलाई 2023, 22, 21 ये सब निकालते हुए 2021 में ये ब्रेकडाउन हुआ था, जून से होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फर्स्ट पुलबैक में 92,200 रुपये गया था, उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए इसको ब्रेकडाउन किया और ये इसको सस्टेन किया। अब जहाँ पे ये ट्रेड किया है, जहाँ क्लोजिंग किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, पिछले 3 सालों का रेंज है ये, तो ये हमारे लिए एज ए जोन यहाँ पे काम करेगा। तो मैं इसको एज ए जोन मार्क कर देता हूँ। इस जोन को आपको वॉच करना है, देखना है कि इसको ये ब्रेकडाउन ना करे। छोटी छोटी कैंडल बनाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन इस जोन को ब्रेक करेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड अभी भी स्टिल नेगेटिव है और दो पैटर्न जैसा हमने माइक्रो में भी देखा, यहाँ भी अगर आप देख रहे हो तो ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। अगर इसका फॉलोअप यहाँ पे आता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फ करता हुआ ब्रेकडाउन करने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन जो US का मेजर इम्पैक्ट होता है, जो फेड के मीटिंग होती है वो भी होने वाली है, 1 वीक का टाइम बचा हुआ है, उससे पहले कुछ डेटा आने वाले हैं उसके लिए भी टाइम कम ही बचा हुआ, तो इस बीच से बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन अगर मार्केट नहीं करता तो बेटर रहेगा। लेकिन लोगों के यहाँ कमेंट्स जो आ रहे हैं, उस कमेंट्स के बीच में यहाँ रिएक्शन होती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो तो ये छोटी सी कैंडल बहुत पावरफुल है, यहाँ से इसने लगभग 5,000 पॉइंट का मूव दिया है। अब दोबारा से आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे 5,000 पॉइंट का ना दे के 1,000-2,000 पॉइंट का दे दे। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबल कॉजेस को यहाँ पे इलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आप यहाँ देख रहे हो जब बाइंग आई थी, लगातार बाइंग आई थी, तो हो सकता है कुछ यहाँ लोग निकल गए हैं, कुछ लोग स्टिल बैठे हुए हों कि हमें यहाँ पे पोजीशन मिलेगी। और दूसरी कंडीशन अगर आप यहाँ देख रहे हो, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू जा रही है, बट स्टिल बीच बीच में बायर्स आ जा रहे हैं। तो इन सभी कंडीशन के बीच में देख रहे हो, जो लोगों का मानना है और एज पर न्यूज़ या फिर एक्सपेक्टेशन जो चलती हुई जा रही है, ये जो चैनल का फॉर्मेशन है, ये दो चैनल आपको वॉच करने हैं और देखने हैं। इन दोनों चैनल्स के बाद ही मार्केट डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है। ये दो रेंज का फॉर्मेशन है, हायर साइड और लोअर साइड में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर इस जोन में आके ये रुकता है तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना होगा। थ्रू आउट तो ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए जैसा प्राइस पैटर्न बोलता है, अगर थ्रू आउट ब्रेक करता है तो एक सडन स्पाइक होगी, वहाँ पे आपको अलर्ट रहना होगा। फर्दर जब आपको रेंज में मिले तभी यहाँ पे एंट्री का प्लान करना। मैं आपको डेली मॉर्निंग में सेंटीमेंट्स पोस्ट करता रहता हूँ, किस तरह से प्राइस पैटर्न बन रहा है, क्या उसके इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ भी फ्रेंड्स एक नेगेटिव इंडिकेशन है। ओवरऑल कंडीशन है 92,250 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद में 94,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की बात कर लेते हैं तो अगर ये इस जोन में एंट्री करता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और फर्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस जो बनने की कोशिश करेगा। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 90,700-800 के आसपास बनाने की कोशिश करेगा। ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी थिकनेस हम 1 रखेंगे। अब आपको पोजीशन कैसे लेनी है, क्या कन्वर्ट करना है, तो आपको इस लेवल्स के पास में जब भी आपको कुछ रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ देखने को मिले, आपको ये वॉच करना पड़ेगा कि लोअर लो कर रहा है या हायर हाई कर रहा है। सिंपल है, उसको कुछ नहीं देखना होता है, उसको अगर आप वॉच करते हो अपने किसी भी टाइम फ्रेम में वॉच करते हो, कंटिन्यू वॉच करिए, तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिक दिखने लगता है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन कमोडिटी और नेचुरल गैस इन सब कंडीशन को आप देखते हो तो 15 मिनट और 20 मिनट में वॉच करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप इसमें आवर्ली में प्लान करिए, एंट्री आप अपने बेस से डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ जो मैंने मार्किंग किया आप देख रहे हैं, इस सारे जोन्स इसके आसपास रिएक्ट किए हैं। अब इनका ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग किया है तो पहला रेजिस्टेंस 90,700, दूसरा रेजिस्टेंस 92,000 और 92,250, और नीचे का सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन पे है, वो 3 सालों का जोन है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर फर्दर इसके लिए अगर 88 के नीचे निकलता है तो फिर हमारे लिए 87 और 88 ये सारे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन के लिए हम फ्रेंड देखेंगे, और डेली प्राइस पैटर्न इस समय काफ़ी वोलेटाइल भी रह सकता है, क्योंकि 2 से 3 दिनों में ज़बरदस्त न्यूज़ है, उसके बाद नेक्स्ट वीक 30 और 31 को तो ओवरऑल कंडीशन आपको डिसाइड हो जाएगी कि सितंबर में रेट कट होगा, महंगाई कितनी है, जीडीपी के आंकड़े क्या है, सारे कंडीशन क्लियर हो जाएंगे। जैसे वो क्लियरिटी आएगी आपको यहाँ पे एक नया मूव देखने को मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।